सच बोलना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान चैनल और मैं आपका दोस्त आरडी भारती आज गुरु रविदास मंदिर के सच जो कि आपको नहीं बताया जा रहा है वो मैं देखकर अपनी आंखों से आया हूँ। और आज सुबह ही मैं घर से निकला था। मैं यह जानता था कि तुगलकाबाद में तो है, परंतु मुझे एग्जैक्ट जगह का पता नहीं था। मैं तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पे उतरा, वहाँ लोगों से पूछा, कोई जानकारी नहीं। एक ऑटो वाले ने मुझे वहाँ पे पहुँचाया। संजोग से वो ऑटो वाला बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता था और मैं ये कहा कि मैं बहुजन समाज का न्यूज़ कवर करता हूँ। पहुँचा तो दिया, लेकिन जहाँ पर गुरु रविदास मंदिर को तोड़ा गया है वहां से 1 किलोमीटर पहले यानी तुगलकाबाद एक्सटेंशन के सामने गुरु रविदास मंदिर था और वहां से 1 किलोमीटर पहले यानी लाल बत्ती पर ही मुझे उसने उतार दिया, क्योंकि पुलिस की पूरी छावनी बनी हुई थी। उस रोड को जाम कर दिया गया था, डीटीसी के बसों को डाइवर्ट कर दिया गया था, आम जनता पैदल वहां से निकलती थी और वहां पर एक भी आंदोलनकारी नहीं था। कोई आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, तो कोई कर रहे हैं आईटीओ पे, हो सकता है कोई सेफ जगह पे भी करके और अपना फोटो और वीडियो बनाकर लोगों में फैलाते होंगे। वहां पे कोई हमें दिखा नहीं, केवल पुलिस ही पुलिस चारों तरफ। एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने मजाक किया। जब मजाक में उसने ये कह दिया कि गुरु रविदास मंदिर हुआ करता था पास्ट टेंस में, अब तो नहीं है, तो एक पुलिस ऑफिसर ने मोर्चा संभाला और समझ गया कि ये कोई रिपोर्टर है। उन्होंने कहा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कुछ भी हुआ है जनाब, हम लोग तो केवल कोई बवाल ना बढ़े इसके लिए खड़े हैं। मैं जब वहां गया तो दीवार जहां से रास्ता जाता था बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट, ऐसा लगा रातों रात इस पे दीवार बना दिया गया, यानी नई ईंट, नई सीमेंट रेत वगैरह था, बिल्कुल रातों रात बनाया हुआ था। चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। 13 बीघा जमीन है और गुरु रविदास मंदिर अब वहां नजर नहीं आ रहा है, कहीं से नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र या जैसे कि रास्ता साफ होता है या सामने गेट बना हुआ होता है, कुछ कुछ झंडे पताके लगे हुए होते हैं, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, केवल पुलिस ही पुलिस। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अयोध्या में रामलला के मंदिर में उतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पर था। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक बहुजन समाज के शुभचिंतक होने के नाते आज मैं बहन मायावती यानी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस मसले पर आगे आए, क्योंकि बहुजन समाज में आप मजबूत हैं, आपके पीछे 10 सांसद हैं और ये दलित समाज में अच्छे और बुरे हर कोई होता है। कुछ लोग आपके बारे में कमेंट्स करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, सबको दरकिनार करते हुए गुरु रविदास मंदिर के लिए आगे आए, क्योंकि जालसाजी हुई है, इंक्रोचमेंट के नाम पर गुरु रविदास मंदिर को तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं कहा है कि जाकर गुरु रविदास मंदिर को तोड़ दो, क्योंकि वहां पे फैक्ट को छुपाया गया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मैटर है। जो अधिकारी ऐसा गलतियां किए हैं उनको सजा होनी चाहिए, जो मिसप्लीड करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें सजा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 सालों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को मिसप्लीड किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो मैं तमाम बसपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, बसपा सुप्रीमो से भी कहूंगा कि संविधान की रक्षा हेतु, बहुजन समाज की रक्षा हेतु और गुरु रविदास मंदिर के लिए आगे आए, क्योंकि बाकी सब के सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं,
वो जाके बीजेपी से भिड़ेंगे, कोई जाकर आईटीओ पे खड़े हो जाएंगे, कोई कहीं कहीं खड़े होकर अपनी अपनी राजनीतिक छवि बनाए जा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि केंद्र सरकार से भिड़ने की ताकत केवल आप में है। जनता आपको इनाम देगी समय आने पे, क्योंकि जनता कभी भी किसी का उधार नहीं रखती, सूद लगा कर देती है और आपको भी देगी। आप एक बार इस पर पहल जरूर करें। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको सच्ची और फैक्ट खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।